29 मई 2022 पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए वो तारीख दिन था जब सिद्धू मूसेवाला के नाम से मशहूर रैपर और सिंगर शुभदीप सिंह सिद्धू को सिर्फ 28 बरस की उम्र में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी पर रशियन असॉल्ट राइफल से कई राउंड फायर किए गए और उनकी बॉडी में 24 गोलियां लगी। इस दर्दनाक हादसे से एक रोज कबल ही पंजाब गवर्नमेंट ने सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस ली थी, इसीलिए उनके चाहने वाले इसे सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश दे रहे हैं। वो ये सवाल पूछते हैं कि आखिर ऐसा करने वाला कौन था, इस तरह हुआ क्यों और कैसे, और किस तरह पंजाब के एक छोटे से गांव में रहने वाला शुभदीप सिंह सिद्धू एक ग्लोबली फेमस रैपर सिद्धू मूसेवाला बन गया। वॉइस डेली की आज की एपिसोड में इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे, लेकिन व्यूअर्स आगे बढ़ने से पहले आप हमारी मेहनत पर एक लाइक जरूर दीजिए और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। 29 मई 2022 के रोज जब सिद्धू मूसेवाला पंजाब के छोटे से टाउन मानसा से अपनी ब्लैक महिंद्रा जीप में दो दोस्तों के साथ बाहर निकले तो सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक दो गाड़ियों ने उनका पीछा किया और कुछ ही देर और दूर जाने के बाद उनकी जीप पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। ताबड़तोड़ बरसने वाली गोलियों ने गाड़ी को छलनी करके रख दिया और सिद्धू मूसेवाला वहीं पर दम तोड़ गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इनकी गाड़ी पर रशियन असॉल्ट राइफल A-94 से 30 राउंड फायर किए गए और ये पहली बार हुआ था कि पंजाब की गैंग वॉर में रशियन असॉल्ट राइफल यूज की गई। सिद्धू मूसेवाला पर हमला करने वालों की तादाद 8 से 10 थी जो ये काम करने के बाद अपनी गाड़ियां छोड़कर मौके से फरार हो गए। लेकिन ये काम आखिर किया किसने, ये कोई पहेली नहीं है, क्योंकि इस पूरे वाकये की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल की जो कनाडा में बैठे बैठे अपनी पूरी गैंग चलाते हैं। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि कनाडा से ऑपरेट करने वाले एक गैंग को पंजाबी रैपर सिंगर से क्या दुश्मनी हो सकती है। इस बात का जवाब कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने वाले गोल्डी बरार ने खुद ही सोशल मीडिया पर दिया कि सिद्धू मूसेवाला उनके ऑपोजिट गैंग को सपोर्ट किया करते थे। पुलिस के मुताबिक ये जुर्म करने वाले इस कदर शातिर थे कि अपनी गाड़ियां भी वहीं पर छोड़कर भागे। पंजाब पुलिस ने फौरी तौर पर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाई जिन्हें उन गाड़ियों से कुछ सबूत भी मिले जिनकी बिना पर कुछ गिरफ्तारियां भी की गई। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के चाहने वाले इन तमाम कार्रवाइयों को सिर्फ फैक्ट्स पर पर्दा डालने की कोशिशें करार दे रहे हैं और असल जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को समझते हैं जिन्होंने इस हमले से सिर्फ एक दिन पहले तमाम सिक्योरिटी वापस ले ली थी सिर्फ इस बिना पर कि सिद्धू मूसेवाला सियासी तौर पर उनके मुखालिफ थे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। सिद्धू मूसेवाला की बेवक्त मौत ने बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद उनके पंजाबी फैंस को अफसरदा कर दिया। उनकी जिंदगी पर नजर दौड़ाई जाए तो सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा शहर के करीबी गाँव मूसा में हुआ था। सिद्धू के वालिद बलकौर सिंह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई जबकि माँ चरण सिंह कौर गाँव की सरपंच थी। उनके वालदैन ने उनका नाम शुभदीप सिंह सिद्धू रखा, लेकिन म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के बाद उन्हें सिद्धू मूसेवाला के नाम से जाना और पहचाना जाने लगा। सिद्धू ने 6ठी क्लास ही से हिप हॉप म्यूजिक सुनना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे पहले उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सिद्धू कनाडा शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्होंने अपने म्यूजिक के शौक को पूरा करने का काम शुरू किया। हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक रैपर या सिंगर के तौर पर नहीं बल्कि एक राइटर के तौर पर की। उनके पहले और मशहूर गाने का नाम लाइसेंस है जिसे आज तक लाखों लोगों ने सुना। अपने लिखे गए इस गाने की कामयाबी के बाद उन्हें समझ आ गया कि म्यूजिक इंडस्ट्री में वो कुछ इनकलाब ला सकते हैं, इसीलिए उन्होंने जी वैगन के नाम से खुद अपनी आवाज में एक गाना रिलीज किया। मगर उन्हें असल पहचान सो हाई नाम के एक ट्रैक से मिली जिसे अब तक यूट्यूब पर करोड़ों लोग देख चुके हैं। उसके बाद सिद्धू मूसेवाला ने पीछे मुड़कर देखा नहीं और एक के बाद एक हिट सॉन्ग मार्केट में फेंकते रहे। और दोस्तों सिर्फ यही नहीं, सिद्धू मूसेवाला ने कई पंजाबी मूवीज के लिए भी प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग की। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन व्यूअर्स जहां उनके फैंस की तादाद करोड़ों में थी तो वहीं उनके म्यूजिक पर तनकीद करने वाले भी कम नहीं थे जिनके ख्याल में सिद्धू मूसेवाला अपने गानों के जरिए वायलेंस और गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। अपने गानों की वीडियोस में अक्सर वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर गन्स हाथ में लिए नजर आते और लोगों को एतराज ये था कि वो नौजवानों के जहनों में गैंग वॉर कल्चर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। इसी बिना पर कई बार उनके खिलाफ पुलिस में दरखास्तें दी गयी और उन्हें धमकियां भी मिलती रहती थी। उनके कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें अपने एक इंटरव्यू के दौरान वो कहते हुए नजर आए कि उनकी जिंदगी का कोई खास एम नहीं है, उन्हें कई मर्तबा टारगेट किया जा चुका है और वो किसी भी दिन मारे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चलते जा रहे हैं और उन्हें मौत का कोई खौफ नहीं। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਏਮ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਮਰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਮਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ
बस तो टारगेट नहीं है। उनके चाहने वालों को उनकी जिंदगी और सॉन्ग्स में कुछ और भी हैरानकुन सिमिलैरिटीज नजर आई। कुछ महीने पहले उनके रिलीज होने वाले फेमस गाने का टाइटल 295 था और उनके कत्ल की तारीख भी 29/5 थी, जबकि मौत से सिर्फ 15 दिन पहले रिलीज होने वाले उनके गाने का टाइटल द लास्ट राइड था। उसका कवर और उनके कत्ल के फौरी बाद दिखाई जाने वाली उनकी जीप की पिक्चर्स बहुत हद तक मिलती थी। सिद्धू मूसेवाला के चाहने वालों का कहना यह है कि उसका कत्ल किसी गैंग ने नहीं किया, बल्कि सरकारी तौर पर उसे इसलिए रास्ते से हटाया गया कि वो खालिस्तान तहरीक की बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे और इस तहरीक के पुराने रहनुमाओं को ग्लोरीफाई किया करते थे। खालिस्तान का मतलब की है, अजे लोगों नूं ये नहीं समझ आया। खालिस्तान का मतलब है जो महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम सी, ओह जे लोग जो गुरु तो डरदे हुण, जो सच्चे पातशाह तो एक सच्ची दसानहां दी कमाई करदे हुण, उस दे फैसले नूं सर्वोच्च मानदे हुण, उहदे भाणे तो बिना कोई पत्ता भी ना हिलदा होवे, असी खालिस्तान उस चीज़ नूं मानदे। सिद्धू अपने आप को सिर्फ एक सिंगर या रैपर के तौर पर महदूद नहीं करना चाहते थे, तभी उन्होंने सियासत में भी कदम रखने की ठानी। दिसंबर 2021 में उन्होंने कांग्रेस में शिरकत अख्तियार की और उसके टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। अगरचे वो इलेक्शन तो हार गए, लेकिन फिर भी उन्होंने सियासत छोड़ी नहीं थी। उनके मुखालफिन हमेशा उन पर इल्जाम लगाते रहे कि वो सेलिब्रिटी पावर को मिसयूज करते हैं, लेकिन हकीकत यही थी कि कैमरा के सामने चाहे वो बड़ी गाड़ियों में फिरते हों या हाथों में गन्स लिए खड़े हों, मगर असल जिंदगी में वो बहुत हम्बल और इंतहाई सॉफ्ट स्पोकन पर्सन थे। यही तो वजह थी कि जब सिद्धू मूसेवाला की मौत हुई तो ना सिर्फ इंडियन पंजाब बल्कि पाकिस्तान में भी उसका सोग मनाया गया। वादा करते हैं इस साल के अंदर पाकिस्तान आवांगे, पहला लाहौर से दूसरा इस्लामाबाद। सभी एक सोच में पड़ गए कि कोई एक आर्टिस्ट को इस तरह बेदर्दी से कैसे कत्ल कर सकता है, लेकिन फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखने वाले गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर इस घिनौनी वारदात का इल्जाम कबूल करते हुए कहा कि सिद्धू मूसेवाला उनके खिलाफ काम कर रहे थे। उसका कहना था कि सिद्धू उसके कई दोस्तों के कत्ल में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ बाकायदा पुलिस में दरख्वास्तें दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। तभी गैंग ने मामलात को खुद हैंडल करने का फैसला किया। लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मान भी लिया जाए कि सिद्धू मूसेवाला इन तमाम कामों में मुलव्वस थे, तब भी किसी को बीच सड़क पर गोलियों से छलनी कर डालना कहां का इंसाफ है। और इस हादसे पर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि कत्ल से सिर्फ एक रोज पहले पंजाब गवर्नमेंट ने उनसे सिक्योरिटी वापस ले ली थी। अगरचे सिद्धू मूसेवाला एक सेलिब्रिटी थे और उनके पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और बुलेट प्रूफ गाड़ी भी थी, लेकिन कत्ल के रोज वो अपने दो दोस्तों के हमरा अकेले ही बिना बुलेट प्रूफ गाड़ी के निकले। उनकी गाड़ी निकलते ही पीछे दो गाड़ियों ने उनका ताकुब किया और कुछ ही देर के बाद उन पर गोलियों की बरसात कर दी गई। इससे एक चीज तो साफ पता चलती है कि हमलावर सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करने ही आए थे। और यूं सिर्फ 28 बरस की उम्र में सिद्धू मूसेवाला एक मुख्तसर लेकिन भरपूर जिंदगी गुजार कर अपने फैंस को अफसरदा छोड़ गए। तो व्यूज, ये थी सिद्धू मूसेवाला की लाइफ की एक शॉर्ट स्टोरी। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं। हमारी कोशिश होगी कि वॉइस डेली के प्लेटफॉर्म से आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डेली पहुंचती रहें, और ये वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।